हाय फ्रेंड्स, सहारा किचन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताऊंगी देसी तरीके से रोहू मछली बनाने का आसान तरीका, कम खर्चे में बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है। देखिए कितना अच्छा मछली बना है। ऐसा ही बनाने के लिए पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मछली बनाने के लिए 700 ग्राम हम रोहू पीस मछली लिए, इसे अच्छी तरह से धो लिए हैं। तो चलिए मसाला देख लेते हैं। मसाले में लिए लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, सरसों, उसके बाद एक कटा हुआ टमाटर, हरी धनिया, दो बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक, दो गांठ लहसुन, इसके छिलके हम निकाल ली गए हैं। मछली फ्राई करने के लिए एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे चला के मिला लेंगे। गैस पे हम तवा रखे हैं। गरम होने के बाद हम एक चम्मच तेल डालेंगे। गेहूं का आटा लिए हैं। मछली पीस इसमें हम लगा के फ्राई करेंगे। इसे बहुत ही अच्छा टाइट फ्राई होता है। इसे मछली टाइट ही रहता है, टूटता नहीं है। इसी तरह सब मछली को हम डाल के फ्राई कर लेंगे। मछली को हम डाल दिए हैं। अभी इसे हम पलट लेंगे। देखिए इसी तरह सब मछली को पलट लेना है। इसमें हम दो चम्मच तेल डालेंगे। देखिए कितना अच्छा फ्राई मछली लाल हो गया है। आप चाहें तो इसी तरह नमक डाल के खा सकते हैं। इसमें हम दो चम्मच और तेल डालेंगे। जो बाकी मछली पीस बचा है इसे हम डाल के फ्राई कर लेंगे। देखिए इसे हम फ्राई कर लिए हैं। इसे हम निकाल देते हैं। गैस पे कढ़ाई रखे हैं। गरम होने के बाद 100 ग्राम तक सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद मेथी दाना है, तड़का लगाएंगे। चटकने लगा है, इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे। तड़के का कलर चेंज हो गया है। प्याज को हम दरदरा पीस लिए हैं, इसे डाल के चला लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इसे चला के मिला लेना है। इसे हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए, बीच में चलाते हुए भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा प्याज भुना गया है। इसमें अब हम मसाला डालेंगे। सरसों का पेस्ट हम बना के रखे हैं, इसे डाल देंगे। लहसुन का पेस्ट डालेंगे। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा पानी डाल के इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए इसे हम ढक देते हैं और धीमी आंच पे भूनेंगे 2 मिनट के लिए, बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मसाला भुना गया है। अब इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए और इसे चला के मिला लेंगे। इसे 2 मिनट के लिए ढक देते हैं धीमी आंच पे, बीच में चलाते हुए भुनेंगे। देखिए कितना अच्छा मसाला भुना गया है। टमाटर भी गल गया है, तेल छोड़ने लगा है। इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। आप अपने खर्चे के हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए इसे चला के मिला लेंगे और इसे ढक के हम उबाल आने तक पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स उबाल आ गया है। इसमें हम मछली पीस डालेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मछली को हम डाल दिए हैं, इसे ढक के 3 मिनट और हम पकाएंगे। ज़्यादा देर तक मछली नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो टूट जाता है। देखिए कितना अच्छा मछली बन गया है। अब इसमें हम हरी धनिया डालेंगे।
और गैस को बंद कर देंगे। देखिए कितना अच्छा मछली बन के तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टीदार लगता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।